गाइस, स्वागत है आपका आपके करनाल फैशन की दुनिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्लीच एंड फेशियल कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लेंगे ब्लीच। मेरे पास ये फ्रूट की ब्लीच है, ये ब्लीच है। तो सबसे पहले हम ब्लीच लेंगे, बाद हम एक्टिवेटर डालेंगे, एक्टिवेटर पाउडर, इसे हम ब्लीच पाउडर भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ये इतना सा, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लीच पाउडर लेना होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से लगा लिया। गाइस, ब्लीच लगाने से पहले हम थोड़ा थोड़ा वैसलीन लगा लेंगे जहां पे हमें ब्लीच नहीं करनी है, जैसे कि हेयर वगैरह में, यहाँ जहां में आपको थोड़ा डाउट हो कि यहाँ से ब्राउन ना हो जाए और आप ब्राउन नहीं करना चाहते, तो हम वहां पे वैसलीन लगा लेंगे। यहाँ भी हम वैसलीन लगा लेंगे, ये हमारे ब्राउन होने से बच जाएंगे बाल। तो हमें ब्लीच ओनली 10 मिनट रखनी है, 10 मिनट के बाद हमें वॉश कर लेंगे, फिंगर की हेल्प से लगा लेंगे ऐसे। आइज से बचा के रखना है, इधर ऐसे लगाना है आइज से। मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी, उसके बाद बात याद रखना, अगर आप फर्स्ट बार ब्लीच को यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली फेस पे मत लगाना उसको, आप कहीं थोड़ा सा लगा के, जैसे हाथ पे थोड़ा सा लगा लिया या फिर ईयर के यहाँ पे लगा लेना, ईयर के यहाँ लगा के देखना। अगर आपको ज्यादा ईचिंग हो रही है तो आप ब्लीच को अवॉइड कर सकते हैं, तो क्योंकि ब्लीच आपको इसका मतलब कि शूट नहीं करी, या फिर आप कोई दूसरी की, जैसे किसी एक कंपनी की है शायद वो आपको शूट नहीं कर रही, तो आप दूसरी कंपनी की ब्लीच वगैरह यूज कर सकते हैं, पर डायरेक्टली फेस पे यूज नहीं करनी आपको। यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे जैसे कि ब्लीच वो ले ली, ब्लीच ले ली और उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर मिक्स कर लिया और यहाँ पे लगा के देखनी है। अगर आपको तब भी अगर आपको हीचिंग हो रही है तो आप वो वाली ब्लीच यूज मत करना। वैसे ब्लीच के बेनिफिट ये है कि जो हमारे फेस पे हेयर होते हैं वो थोड़े ब्लीच करने के बाद ब्राउन हो जाते हैं, हमारी स्किन जैसे ही लगने लग जाते हैं। अगर हम ब्लीच नहीं करते हैं तो ब्लैक ब्लैक हेयर दिखते हैं, तो थोड़े गंदे लगते हैं। तो ब्लीच का ये बेनिफिट है, और ब्लीच करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड सॉफ्ट सी फील होगी। और उसके बाद एक बात और याद रखना, कभी भी ब्लीच करें, ब्लीच के बाद अपने फेस पर फेशियल जरूर करें, या फिर आप किसी भी क्रीम का कर सकते हैं, एक दो स्टेप अपने फेस पर जरूर दें। ब्लीच थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे होने लग जाएगी जब ब्लीच, तो हम इसे थोड़ा फिंगर से ऐसे कर देंगे ब्लीच को, ताकि फेस पर ब्लीच का असर अच्छे से हो जाए, जो हमारी हेयर है ब्राउन होना शुरू हो जाए। ऐसे सर्कल में ऐसे करेंगे हम, अगर आप फर्स्ट बार ब्लीच कर रहे हैं आपको नहीं पता कि ब्लीच मेरे फेस पर हो चुके हैं नहीं, तो आप थोड़ा सा यहां से ब्राउन हो गए तो आपकी ब्लीच कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपनी क्लीन कर सकते हैं। अगर यहाँ हेयर ब्राउन नहीं हुए तो आप इसको दोबारा से ऐसे लगा सकते हैं, तो ब्लीच को थोड़ा सा टाइम और दे दो, जैसे कि 5 मिनट और रख सकते हैं आप। मेरी ब्लीच हो चुकी है अब, या तो आप इस स्पून के साथ, इसके स्पून के बैक साइड से ऐसे इसको उतार सकते हैं। अगर वैसे ब्लीच के साथ एक स्पैचुला मिलता है, आप उसके साथ भी अपनी ब्लीच को उतार सकते हैं। लेके इसको पानी में डिप कर देंगे, इसे उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे,
इसको नहीं छोड़ ले अभी इस... ब्लीच करने से पहले अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, को लगाया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाइड्रेट करना अपने फेस को, उसके बाद ही ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करना है। देखो ब्लीच बिल्कुल हो चुकी है, मेरे हेयर ब्राउन हो चुके। अब उसके बाद हम यूज करेंगे ये एवरयूथ का स्क्रब, ये वाला, ये गाइस। सबसे पहले ब्लीच करेंगे, उसके बाद ये स्क्रब यूज करेंगे, क्योंकि गाइस ब्लीच करने के बाद अपने फेस पर फेशियल या फिर कुछ स्टेप देना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे लगा लेंगे। बात गाइस याद रखनी है, जब हम स्क्रब कोई सा भी कंपनी का स्क्रब वगैरह यूज करते हैं तो हमें रोज वाटर इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना, हम इसके साथ वाटर इस्तेमाल करेंगे, हमें रोज वाटर नहीं, सिंपल वाटर। स्क्रब कभी भी रोज वाटर के साथ नहीं करना चाहिए, इससे स्किन और ज्यादा ब्लैक हो जाती है। तो इसके स्क्रबिंग के लिए हमें सिंपल वाटर की जरूरत होती है। स्क्रबिंग से आपकी जो स्किन में डस्ट होती है वो निकल जाती है, आपके फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इसके बाद आप फेशियल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी स्क्रबिंग हो चुकी है, मैं इसको वॉश कर लूंगी। स्क्रबिंग के बाद फेस वॉश कर दिया है, मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल क्लीन क्लीन सा। तो उसके बाद हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, मैं फेयर लवली क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। आप जो भी कोई रेगुलर क्रीम वगैरह लगाते हो उसके साथ अपना फेशियल कर सकते हैं। ये मैं क्रीम लगा रही हूँ। अच्छे से लगा लेनी है क्रीम। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि स्क्रबिंग के लिए मैंने सिंपल वाटर इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद मैं ये क्रीम के साथ फेशियल करूंगी, तो इसके लिए मैं रोज वाटर का इस्तेमाल करूंगी। रोज वाटर, तो मैं रोज वाटर का इस्तेमाल करूंगी।
400 पे ऐसे ऐसे, फिर नोज पे ऐसे, नोज के इधर और इधर दस मिनट हमें ऐसे ही करना है मसाज, अच्छे से स्टेप करने हैं, थोड़ा सा क्रीम ले लेंगे, थोड़ा सा वाटर, बस। मैंने फेशियल करने के बाद अपने फेस को पानी, सिंपल पानी से वॉश कर लिया है, तो अब मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई है, बिल्कुल स्मूथ फेशियल के बाद। तो आप भी इसी तरह घर पर अपना फेशियल खुद कर सकते, आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया है ये कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो पहले मैंने ये वाली फ्रूट ब्लीच यूज की थी, तो मैंने ये स्क्रब यूज किया था, आप जो भी स्क्रब यूज करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फैन लवली इस्तेमाल की थी, क्रीम इस्तेमाल की थी फेशियल के लिए। आप जो भी रेगुलर में कोई भी क्रीम लगाते हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप छोटे पैकेज वाली फैन लवली क्रीम भी ले सकते हैं जो कि 10 रुपीज में आते हैं। तो ये कोई ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है। तो और मैंने ये एक रोज वाटर लिया था, तो आप अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो आप इसके लिए सिंपल वाटर ले सकते हैं, सिंपल वाटर से भी अपने आप फेशियल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हुआ फेशियल ब्लीच विद फेशियल, बिल्कुल पार्लर जाओगे तो आपको 500 या 800 का ही फेशियल पड़ेगा, ब्लीच तो उससे एक्स्ट्रा 200 या 100 ब्लीच हो जाती है। तो आपको टोटल टोटल जो है कि ब्लीच विद फेशियल 800 या 900 का या 1000 तक तो ही पड़ेगा अगर आप अच्छा फेशियल करवाते हैं। तो वैसे ये बात नहीं है कि मैंने इससे फेशियल किया तो इसे ग्लो नहीं आएगा, इससे भी ग्लो आएगा। इन जो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है इससे मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो मोस्टली मैं तो अपने घर पर ही फेशियल कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के लिए, तब के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।